ये पिज़्ज़ा नहीं, पिज़्ज़ा बॉम्ब है जो अपने स्वाद से ब्लास्ट करने वाला है। क्या आपके भी बच्चे रोटी खाना पसंद नहीं करते? तो आज लाई हूँ उनके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, जिसे आप बनाइए तो बच्चे रोटी बहुत ही प्यार से खाएंगे। मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट ओवर 8 रोटियाँ थी। अब मैं इनके अकॉर्डिंग फिलिंग लूँगी। मैंने 2 उबले आलू लिए, आधा कप कॉर्न लिए जो कि उबले हुए हैं, थोड़ी सी हरी प्याज है मेरे पास, मैं सबको कट कर लेती हूँ। आप चाहें तो प्याज लहसुन इसमें डालें, चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आलू को मैं ग्रेट कर लेती हूँ। अगर आपके पास पनीर हो तो आलू को हटा भी सकते हैं। मैंने 2 बॉयल आलू को इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। हरी प्याज को मैं कट कर रही हूँ, हरा वाला पार्ट अलग रख रही हूँ और सफ़ेद वाला पार्ट अलग रख रही हूँ। यहाँ मैंने एक पैन रख लिया है जिसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाला। अभी मैंने बताया ना, आप अपने हिसाब से बटर या ऑयल जो भी चाहें, हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया लहसुन ग्रेट किया हुआ। जब लहसुन थोड़ा पक जाए, मैं वाइट वाला प्याज डाल रही हूँ। हरी प्याज इस मौसम में बहुत बढ़िया मिल रही हैं तो मैंने यूज़ की हैं, नहीं हो तो आप नॉर्मल प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। जब लहसुन और प्याज थोड़ा सा पक जाए, तब आप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल दें। आपके पास जो और भी सब्जियां हों उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। आज मेरे पास गाजर नहीं थी तो मैंने शिमला मिर्च और कॉर्न ही डाला है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून के आसपास पिज़्ज़ा टॉपिंग। ये आप मार्केट का भी ले सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। इसके बदले शेजवान सॉस भी ले सकते हैं। थोड़ा पकाने के बाद आलू बॉयल जो है ग्रेट किया हुआ वो इसमें डाल दिया मैंने। बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब इसमें डाल दीजिए कुटी हुई काली मिर्चें। ताजी डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हरे धनिया की गार्निश कर दीजिए। अब क्योंकि सॉस थोड़ी स्पाइसी होती है तो उसके हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच भर के टमेटो केचप भी डाल दिया। अब स्प्रिंग अनियन का जो हरा वाला पार्ट था वो भी मैंने डाल दिया। थोड़ा सा मैंने डाल दिया नमक। इस फिलिंग को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। आपके पास अवन है, अवन में बेक कर लीजिए, नहीं तो मेरी तरह गैस पर बना लीजिए। अब मैंने पैन को गरम कर दिया है, क्योंकि मैं अवन में नहीं बना रही तो क्या करना है मुझे, पैन को गरम करके गैस बंद करके नीचे उतार देना है। इसमें मैं थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर रही हूँ, जिससे जो मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही क्रिस्पी बने। अब ले रही हूँ मैं रोटियों को। रोटियों में मैं थोड़ी थोड़ी फिलिंग डालकर इस तरीके से यहाँ पर रखती चली जा रही हूँ। मुझे कोई इसके लिए स्लरी नहीं बनानी, कुछ नहीं यूज़ करना, सिंपल रोटी और ये सब्जी। जैसे बच्चे रोटी सब्जी खाते हैं, बस उनको थोड़ा वेरिएशन करके दिया है कि बच्चे बहुत खुश हो जाएं। फिलिंग आप बहुत अच्छे से भरिए, जैसे वो रोटी में बिल्कुल बढ़िया बॉल की तरह बन जाए। आप इसे पिज़्ज़ा बॉम्ब का नाम दीजिए या पिज़्ज़ा बॉल का नाम दीजिए, ये आपकी चॉइस है। इसके लिए कौन सा नाम आपको पसंद आ रहा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं सारी रोटियों को इस तरीके से लपेटती हुई इसमें रखती जा रही हूँ। नीचे बटर की वजह से जब ये धीरे धीरे सिकेगा, हम इसे पलटाएंगे नहीं, तो बहुत बढ़िया नीचे क्रिस्पी हो जाएगा, पिज़्ज़ा से ज़्यादा अच्छा। ऊपर की तरफ से भी थोड़ा थोड़ा मैं बटर लगा रही हूँ। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो करनी है हमें। अब जो हमारे पास पिज़्ज़ा टॉपिंग थी उसे मुझे ऊपर से स्प्रेड करना है। अब ऊपर से रोटी ना भी पके तो चलेगा, क्योंकि हमारी तो रोटी ऑलरेडी पकी हुई थी। अब इन रोटियों के ऊपर आप या तो चीज़ ग्रेट करके रखें या इस तरीके से चीज़ की स्लाइस रखें। मैंने 4 चीज़ की स्लाइस रखी हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स रखा है, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दिया है, थोड़े से हरे धनिए की पत्तियों को डाल दिया है। अब जो खास ट्रिक है इसकी, अगर आप गैस पे बनाने जा रहे हैं तो गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए और ऊपर इसको लिड से कवर कर दीजिए। जब आप इसे लिड से कवर करेंगे तो धीरे धीरे नीचे से क्रिस्प होता जाएगा ये रोटी का नाश्ता, और ऊपर इसको स्टीम लगेगी जिसकी वजह से चीज़ भी पक जाएगा। बहुत ही अमेजिंग।
इसमें आप फिलिंग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप 7 डेज अलग अलग चीज़ें डालकर बना सकते हैं। चीज़ नहीं डालना चाहें बिल्कुल हटा दीजिए, पनीर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, जो आप डालना चाहें वो डालिए। आज की रेसिपी में अगर आपको कुछ नया मिला हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए।